सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मसीह में आनंदित और आशीर्वादित हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचनों में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, जो देख रहे, जो सुन रहे, जो इसे फैला रहे है परमेश्वर, जिन तक ये वीडियो जा रही है, उन सभी को आप ब्लेस करें। खुदा, अपना अनुग्रह सदा उन पर और उनकी फैमिलियों पर, उनके परिवारों पर बनाए रखे। तेरे मुख का प्रकाश सदा इन सभी पर चमकते रहे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत द्वारा इन सभी की तू रक्षा कर खुदा, उन सदा सर्वदा। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ब्लेसिंग आए। अगर ये कोई जॉब करते हैं, जॉब में इन्हें ब्लेस कीजिए। अगर किसी को नौकरी नहीं है इन दिनों में, उसे जल्द से जल्द वो नौकरी मिले परमेश्वर, जो भी आपने रखी है उसके लिए। खुदा, सही और गलत का परख करना इन्हें आप सिखाइए आपके पवित्र आत्मा द्वारा। ऐसी प्रार्थना, ऐसी दुआएं मैं आपसे करता हूं। खुदा सदा इनके साथ रहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर यानी कि कोई डरावना विषय नहीं है। जो विषय है वो बहुत जरूरी है मसीह लोगों के लिए और ज्यादातर हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए। भले उनकी शादी हो गई हो, जो 35 के अंदर है, सभी नौजवान होते हैं। और वैसे तो हम मसीह में सब दिल से जवान ही है। आमीन। अगर कोई बूढ़ा है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं मसीह में बूढ़ा हूँ। नहीं, हम मसीह में सब जवान हैं, यंग है, एनर्जी से भरे हुए योद्धा है हम मसीह के। आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो विषय है वो है चॉइस। विषय है चॉइस। परमेश्वर ने हमारा जीवन, हम हमारी इच्छा से जी सकते हैं, ये अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। हमारा जीवन हम हमारी इच्छा से जी सकते हैं, ये अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। आदम को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, तो उसे कंट्रोल नहीं किया कि तू ऐसा मत जी, तुझे ऐसा नहीं रहना है। परमेश्वर ने बस उसे आज्ञा दी कि तू सब कुछ कर, यहाँ पर सब कुछ खा, लेकिन उस पेड़ के फल को मत खा। सिर्फ खाने के विषय में परमेश्वर ने उसे कहा, बाकी वो अपना जीवन जैसा चाहे वैसा जी सकता था उस अदन वाटिका के अंदर। वो जब चाहे खा सकता था, जब चाहे ना सकता था, जब चाहे जो उसके जी में आए वो कर सकता था। परमेश्वर ने उसे बनाया लेकिन उसे कंट्रोल नहीं किया, उसने उसकी इच्छा पर उसे छोड़ दिया। और वही इच्छा आज हमारे अंदर है। हम हमारा जीवन कैसे जी सकते हैं ये हमारी इच्छा पे आधारित है, हमारी चॉइस है। अगर हम चाहे तो गलत जीवन भी जी सकते हैं, अगर हम चाहे तो अच्छा जीवन भी जी सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे मसीह भाई या बहन लोग हो गए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले प्रभु में थे लेकिन आज प्रभु में नहीं है। उनको परमेश्वर के बारे में सब पता है, उनको पूरी बाइबल पता है, उनको प्रार्थना कैसे करना है पता है, घुटनों पर कैसे बैठना है पता है, उपवास कैसे करना है पता है, प्रभु ने क्यों हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया पता है। लेकिन किसी के कहने पर, किसी के कोसने पर, किसी के उनको तुच्छ जानने पर वो परमेश्वर को छोड़कर हो सकता है बैक हो गए हो, रिवर्स हो गए हो। लेकिन वो रिवर्स होकर भी एक तरफा उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम हो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ज्यादा लंबा ये वीडियो में नहीं लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरे विषय पर भी एक वीडियो बनाना है। लेकिन मैं उन नौजवान भाई बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनकी यंग एज ना हो, मसीह में आकर भी रिवर्स हो गए हो। ये सभी मसीह भाई बहनों के लिए ये मैसेज है, ये वचन है आज का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहली बात, यूहन्ना में आप पढ़ोगे, वहां लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने
अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम नष्ट ना हो अनंत जीवन पर। उसने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नष्ट ना हो अनंत जीवन पाए, उसे पाए, प्राप्त करें। किसने? उस परमेश्वर ने जिसने आपको मुझे इस संसार में जो कुछ भी जीव जंतु है, प्राणी, समंदर, आकाश, झरने, नदियां, जो कुछ भी हो, उस परमेश्वर ने बनाया है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने, यानी कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमारा जीवन जो है वो नष्ट ना हो। इसको हमारे जीवन में कभी नहीं भूलना है हमें। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं, हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन जो नहीं सुने हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूं। एक राजा होता है, एक किंग होता है, उसको अपने रथ को चलाने वाला चाहिए होता है, जैसे कि घोड़े को आगे रखकर रथों को चलाया जाता था उस जमाने में। तो उसे जो चलाने वाला कहता है उसे टांगे वाला, है ना, टांगे वाला कहते हैं हिंदी में, टांगे वाला चाहिए होता है, जो बहुत ही उत्तम तरीके से रथ चलाने वाला हो, जिससे राजा की जान को जोखिम ना हो, ऐसा रथ चलाने वाला उसको चाहिए था। तो राजा एक कॉम्पिटिशन रखता है, स्पर्धा रखता है, और स्पर्धा में कहा जाता है कि एक बाजू खाई है, एक बाजू अच्छी रोड है, है ना, अच्छा वो जमीन है, अच्छा रास्ता है, एक बाजू खाई है, लेकिन जो भी उस खाई में गिर जाएगा वो मर जाएगा घोड़ों के साथ। तो उस कंपटीशन में तीन लोगों को बुलाया जाता है, तीन टांगे वालों को बुलाया जाता है, रथ चलाने वालों को। उन्हें कहा जाता है जो भी उस खाई के किनारे से, कॉर्नर से, रथ को अच्छी तरह से चलाकर लेकर जाएगा, उसके रथ में राजा बैठेगा, वो राजा का टांगे वाला होगा। तो पहले को बुलाया जाता है, पहला जो टांगे वाला होता है वो बहुत बिल्कुल ही खाई के किनारे से रथ को अच्छी तरह से निकाल कर लेकर जाता है। फिर दूसरे को बुलाया जाता है, दूसरा भी है, उससे भी अच्छी तरह से खाई के किनारे से रथ को चलाकर लेकर जाता है। फिर तीसरे को बुलाया जाता है, लेकिन तीसरा उस खाई के किनारे से रथ को चलाकर नहीं लेकर जाता है, तीसरा जो अच्छी सड़क है, अच्छा रास्ता है, वहां पर से रथ को चलाकर लेकर जाता है। तो राजा उससे कहता है कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तूने मेरे विरोध में गलत किया है। मैंने कहा था कि खाई के किनारे से जो लेकर जाएगा, दो लोगों ने तो सही से लेकर गए, तूने क्यों ऐसा किया? उसने कहा कि राजा आपका जो प्राण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी जान बचाना वो हमारा फर्ज है। जब मुझे पता है वहां पर खाई है तो मैं वहां पर से रथ क्यों लेकर जाऊं? जब मुझे अच्छा रास्ता दिख रहा है तो मैं यहां से क्यों ना रथ लेकर जाऊं? तो उसे राजा ने जल्दी नियुक्त किया, चॉइस किया, और कहा कि यही मेरे रथ को चलाएगा, यही मेरा टांगे वाला होगा। तो उसी तरह परमेश्वर और एक अंधकार, हमारे पास चॉइस है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हमें परमेश्वर के बारे में भी पता है, हमें शैतान के राज्य के बारे में भी पता है। जब हमें पता है परमेश्वर का राज्य सही है तो हम उस पर चलते क्यों नहीं है? क्यों हम मसीह में होकर भी अंधकार में भी प्रवेश करते हैं थोड़ा थोड़ा? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूं। क्यों हम ऐसा करते हैं थोड़ा थोड़ा? मसीह में चलो, मसीह में रहो, मसीह में बढ़ो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपने मसीह में आकर फिर अंधकार को चॉइस किया हो, फिर से अंधकार में अपना जीवन जी रहे हो। मैं फिर एक बार कहता हूं, अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो, वो आपको प्यार करता है। उसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। जब वो आएगा, जो उसकी दुल्हन बनकर तैयार है, रेडी है, उसे लेकर जाएगा, बाइबल कहती है। और उसके आने का समय नजदीक है, मैं हमेशा कहता हूं निकट है। हमें तैयार रहना है हमेशा। हमें थोड़ी भी वो जो अंधकार के राज्य के पाप का जीवन है, अंधकार का जीवन है, वो थोड़ा भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, तभी वो हमें लेकर जाएगा।
ये सब चीजें हम एक साथ पवित्र नहीं बन सकते, हमें कोशिश करनी है धीरे 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 प्रभु में बढ़ो। आप परमेश्वर आपकी सहायता करेगा उसकी पवित्र आत्मा द्वारा। चॉइस ये आपके ऊपर है। जब हमें पता है सही परमेश्वर का रास्ता है तो भी हम क्यों गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमें इस बारे में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखा हो, मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रभु में होकर भी संसार के हैं। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद फिर संसार के हो चुके हैं। जब वो आएगा ना अचानक से अपनी दुल्हन को लेने, जो तैयार है केवल उसे लेकर जाएगा। लिखा है जो तैयार है, और जो दुल्हन तैयार होती है उसको ही दूल्हा लेकर जाता है। दुल्हन की तरह बनो, उसके वचनों को खा जाओ, इस बाइबल को खा जाओ। उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या कहा है उसने मत्ती की पुस्तक में, तुम जगत की ज्योति हो। तो उस ज्योति की जैसे चमको, जहां ज्योति होती है वहां अंधकार नहीं होता है। अगर तुम एक ज्योति बनना चाहते हो, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो चॉइस आपका है। अब क्या चॉइस कर रहे हो, अंधकार या मसीह में नया जीवन? बैक हो चुके हो, रिवर्स आओ प्रभु में। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बेटी या बेटियां अंधकार में, यानी कि उस नरक में तड़पते रहे अनंत काल तक। उसके आने का दिन निकट है। देखिए आजकल संसार में किस तरह वे विचार दर्शाया जा रहा है, पिक्चरों में, फिल्म में, सॉन्ग में, गंदी बातें, गालियां, ये सारी चीजें हैं इंटरनेटों पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। हम उसी में ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन मसीह में है। फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। फोन का आपको इस्तेमाल करना है लेकिन सही तरीके से। लैपटॉप का हमें इस्तेमाल करना है लेकिन सही तरीके से। टीवी का हमें इस्तेमाल करना है लेकिन सही तरीके से। सही इस्तेमाल करना सीखो। आपकी चॉइस हमेशा सही होनी चाहिए, गलत नहीं। गलत रास्ते पर ही लेकर जाती है। गलत चॉइस गलत रास्ते पर ही लेकर जाती है, सही चॉइस सही रास्ते पर ही लेकर जाती है। ये आपके हाथ में है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ऐसा ना होने दो कि वो समा ही नहीं दे पाए आपको आपके जीवन में। कभी इतना घोर अंधकार वाले पाप में आप ना डूबो कि आपको समा ही नहीं मिले आपके जीवन में। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। अगर किसी ने धोखा दिया है, धोखा के मतलब यानी कि किसी ने आपका फ्रॉड किया है, मसीह भाई बहन उसने फ्रॉड किया, तो आपने सोचे कि सभी मसीह भाई बहन वैसा ही है, सभी मसीह लोग वैसे ही होते हैं, और आपने प्रभु को छोड़ दिया हो। किसी के बुरे भले कहने से, आपको बुरा भला कहने से आपने चर्च में आना बंद कर दिया हो। एक के वजह से आपने सभी हजारों करोड़ों मसीह भाई बहनों को तुच्छ जाना हो आपके जीवन में कि सभी ऐसे हैं, सभी ब्रदर्स ऐसे हैं, सभी पास्टर्स ऐसे। नहीं मेरे भाइयों, सब एक समान नहीं होते हैं। इसे आप याद रखो। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमेशा सही चुनाव, सही चॉइस करना, हमेशा सही चुनाव और सही चॉइस करना अपनी जिंदगी में। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, क्या सही है क्या गलत है इसकी चॉइस करना आप इन्हें सिखाए आपके पवित्र आत्मा द्वारा। अगर इनमें से कोई ऐसा है फिर से अपने मन को फिराकर आपके ओर आना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है, तो आप उसकी सहायता कीजिए। मैं आपसे और एक बात कहता हूं, पश्चाताप करना यानी कि रोना नहीं होता है। रोने से सिर्फ हम अपना दुख जाहिर करते हैं परमेश्वर के प्रति, लेकिन सही पश्चाताप होता है अपने मन को फिराना। इसको हमेशा याद रखो, सही पश्चाताप जो होता है वो होता है अपने मन को फिरा लेना। रोना वो हमारे दर्द को जाहिर करता है बाहर। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा नहीं कहा कि रोते रोते पश्चाताप करो या फिर रोते रोते प्रभु के पास आओ। नहीं, उन्होंने कहा अपने मन को फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन को फिराना है हमें, वही सही पश्चाताप है। क्योंकि इस मन के अंदर जो भी गंदगी है वो सभी को हम छोड़ देंगे और अच्छाई को भरेंगे तो हमारा पश्चाताप हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोना गलत है, नहीं,
रोना है, रोना भी जरूरी है, लेकिन रोने से हम हमारे दुख को जाहिर करते हैं, हमारा पश्चाताप नहीं होता है। सही पश्चाताप होता है कि पूरी तरह से क्लीन हो जा रहा अपने मन से। जो पुराना जीवन था, गालियाँ देना, बुरी बातों को करना, बुरी चीज़ों को करना, बुरी आदतें थी, वो सारी चीज़ों को छोड़ देना और अच्छे जीवन में प्रवेश करके एक अच्छा नया मन प्रकट करना प्रभु में। अपने एक नए मन को बनाओ, अंधकार का जीवन छोड़कर मसीह के राह पर चलना, ये होती है सही पश्चाताप, अपने मन को फिराना। वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, प्रभु इन सभी को ब्लेस करो। मैं हमेशा कहता आया हूँ प्रभु आप इनके साथ रहो, आपके पवित्र आत्मा द्वारा क्या सही है क्या गलत है उसकी चॉइस करना ये मेरे भाई ये बहन सीखे। सदा इनके साथ आप रहो, आपके स्वर्गदूतों का पहरा इन पर बनाए रहे। किसी को पैसों की कमी हो उसके जीवन में, किसी चीज के लिए जो कोई व्यक्ति तरस रहा हो प्रभु उन तक वो चीज़ों को, उन पैसों को पहुंचा प्रभु। अगर इनके घरों में कोई बीमार है तो यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय चंगा हो जाए। अपने मुख का प्रकाश सदा इन सभी पर चमकाए, सदा इनके साथ आप हो मैं विश्वास करता हूँ। आमीन।